हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। चलो, जैसे कि हमने 12th क्लास की सेकंड बुक स्टार्ट करी थी फिजिक्स की आपकी, और रे ऑप्टिक्स की एक वीडियो डाली है, इसी तरह 11th क्लास की भी हम सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और आज पहली वीडियो जाती है सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो, सॉलिड की हमें कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में पढ़नी है। देखो, सॉलिड बेसिकली क्या है? चैप्टर 7 में आपने रिजिड बॉडी पढ़ी होगी, पहले उसी की बात कर लेते हैं। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड को हिंदी में कहा जाता है ठोस। हिंदी में कहते हैं रिजिड को ठोस। कोई भी ठोस चीज, ठोस, रिजिड, तो भाई वो रिजिड बॉडी तो सॉलिड ही होगी, लिक्विड और गैस तो होने से रही। तो रिजिड बॉडी या सॉलिड की कहें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें आज पढ़नी है। और रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी का कही जाती है, रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाए तो उसकी शेप, साइज या उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी विच डज नॉट डीफॉर्म, विच डज नॉट डीफॉर्म अंडर एनी एक्सटर्नल फोर्स। जो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बॉडी अपनी कंफ्यूगरेशन को डीफॉर्म ना करे या अपनी शेप को, अपने साइज को डीफॉर्म ना करे, ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी होती है। इतनी बात क्लियर? रिजिड बॉडी चैप्टर 7 में भी पढ़ा होगा, बहुत ठोस बॉडी, यानी जिसके मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी होती है जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर भी डीफॉर्म ना हो। डीफॉर्म मतलब अपनी शेप, अपना साइज, अपनी कंफिगरेशन चेंज ना करे। लेकिन बच्चों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए और कोई बॉडी अपनी शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करे। दैट इज इम्पॉसिबल। मींस इस दुनिया में कोई भी 100% रिजिड बॉडी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी 100% रिजिड बॉडी नहीं है। भाई, डायमंड को बहुत ज्यादा हार्ड माना जाता है लेकिन वो भी रिजिड नहीं है, टूट जाता है। तो इस दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है। कौन सी रिजिड बॉडी? 100% रिजिड बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कोई बॉडी डीफॉर्म ना हो, ऐसी कोई बॉडी नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर भी शेप, साइज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ेंगे सॉलिड की। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। रिजिड बॉडी समझ आया, रिजिड बॉडी क्या है, सॉलिड क्या है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अब यहां एक फोर्स का जिक्र हुआ, डीफॉर्मिंग फोर्स का। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, डीफॉर्मिंग फोर्स कुछ डीफॉर्म करेगी। डीफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जिससे किसी बॉडी को डीफॉर्म किया जा सकता है। डीफॉर्म मतलब उसका शेप, उसका साइज, या कहा जाए तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेंज कर दे, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, ऐसी फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स होती है। कोई दिक्कत? डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्म नाम ही है, डीफॉर्म, जिस पे भी लगेगी उसको डीफॉर्म कर देगी, उसके शायद शेप को, साइज को और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को डीफॉर्म कर देगी, ऐसी फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स होती है। चैप्टर में काफी चर्चा रहेगी इसकी, डीफॉर्मिंग फोर्स इस चैप्टर में काफी चर्चा में रहेगा। तो डीफॉर्मिंग फोर्स समझ आई, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी पर लगे तो उस बॉडी में डीफॉर्मेशन करे, उसकी शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, ऐसी फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स होती है। चलो आगे चलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है चैप्टर का, रिजिड बॉडी क्या होती है, डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, डीफॉर्मिंग फोर्स चलेगा पूरे चैप्टर में। तो इतनी बात क्लियर, व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज डीफॉर्मिंग फोर्स। चलो आगे चलते हैं। पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है
दैट इज इलास्टिसिटी। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी नाम जैसे ही सुना मन में सबसे पहले वो रबर बैंड इलास्टिक जैसी कुछ इमेज बनी, इलास्टिसिटी रबर बैंड से कुछ रिलेटेड होगा या इलास्टिक जो होती है इलास्टिक से कुछ रिलेटेड होगा। लेकिन अभी आगे देखो इलास्टिसिटी है क्या। देखो कोई भी बॉडी जिस पर हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई है, कोई बॉडी है सपोज मान लेते हैं कोई स्टील की रोड है हमारे पास या आयरन की रोड है या किसी भी मटेरियल की हमारे पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास और हम उसमें एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये देख लो, स्प्रिंग कह सकते हो, स्प्रिंग स्टील की बनी हुई स्प्रिंग या आयरन की बनी हुई स्प्रिंग, कोई भी स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग से समझो इलास्टिसिटी क्या है। हमने स्प्रिंग पर एक ऐसी फोर्स लगाई, उसको अंदर कंप्रेस कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स हमने स्प्रिंग पे लगाई जिससे स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, यानी उसकी शेप में साइज में कुछ चेंज आया, यानी डीफॉर्मेशन हुआ। तो ये फोर्स हुई डीफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही हमने स्प्रिंग पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो उसकी शेप और साइज में कुछ चेंज आया, भाई कंप्रेस हो गई, कंप्रेस हो गई, इतना चेंज आया सपोज। तो ये फोर्स क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स, जिससे डीफॉर्मेशन हुआ है। तो कोई ऐसी बॉडी अगर डीफॉर्मिंग फोर्स इससे हटा दी जाए तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेगी, या अपने ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को, या ओरिजिनल कॉन्फिगुरेशन को फिर से गेन कर लेगी। तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है। फिर से बताता हूं, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद, भाई किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगी थी जिसकी वजह से उसमें डीफॉर्मेशन हुआ था, अब डीफॉर्मिंग फोर्स जैसी हमने रिमूव करी, आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगुरेशन जो उसकी पहले थी उसको फिर से रीगेन कर ले, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। समझ आई बात, कोई दिक्कत? डीफॉर्मिंग फोर्स अगर रिमूव कर दी जाए, हटा दी जाए, डीफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस रीगेन कर ले, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। स्प्रिंग, ये एग्जांपल सबने किया होगा घर में, घर में सब करते हैं, स्प्रिंग को दबा रहे हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, वापस अपनी पोजीशन पे चली जा रही है, स्प्रिंग खींची वापस गई, दबाई फिर से वापस आई, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। समझ आई बेटा इतनी बात? डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या इलास्टिसिटी, कि आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स अगर हटा दे तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को रीगेन कर लेगा। आफ्टर, छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं, शॉर्ट सी, आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिग्यूरेशन। डीफॉर्मिंग फोर्स अगर रिमूव कर दी जाए, हटा दी जाए, ऑन रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स या आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन जिसमें वो पहले था उसको वापस से रीगेन कर लेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, इलास्टिसिटी आ गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ही इलास्टिसिटी वर्ड आया था वो इलास्टिक और रबर बैंड याद आया होगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ये है कि वो जो वर्ड आया था ना रबर, रबर बैंड या रबर या इलास्टिक, और अगर बात करें स्टील की, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? तो आंसर आता है रबर, लेकिन ऐसा नहीं है, रबर स्टील से ज्यादा इलास्टिक नहीं है। यही मजे की बात है, क्या लग रहा था रबर होगा ना, देखो इलास्टिक वर्ड से निकल के आ रहा, रबर, रबर बैंड को खींचा वापस गया, इलास्टिक है, लेकिन स्टील रबर बैंड से ज्यादा इलास्टिक है। आंसर करेक्ट जो है वो स्टील है। क्यों?
ऐसा क्यों? देखो स्टील, स्टील की अगर बात करें, स्टील की कोई रोड है, सपोज स्टील की एक रोड लेते हैं, ठीक है, स्टील की एक रोड है हमारे पास और उसका एक एंड हमने जो है वो एक जगह फिक्स कर दिया, ये वाला एंड इसका फिक्स कर दिया रिजिड सपोर्ट के साथ, और यहां से हम इसको डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच रहे हैं इस रोड को, डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, या कहो दबा रहे हैं, अंदर दबा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रेच और कंप्रेस होगा? नहीं होगा। एक एक फोर्स होगी जो इस डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज कर रही होगी, एफ आर, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। वो यहां भी थी, इस डेफिनेशन के हिसाब से भी थी वो रीस्टोरिंग फोर्स, वो रबर बैंड में भी होती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या समझ नहीं आया? एक स्टील की शीट है या एक आयरन की शीट है, उसका एक एंड हमने फिक्स किया हुआ है, ध्यान से देखना इस वाले एग्जांपल से सही समझ आ जाएगा। ये एक स्टील की शीट है, शीट या लोहे की एक शीट है, पत्ती जिसको बोलते हैं, लोहे की एक शीट है और उसका एक एंड हमने रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया। अब ऊपर से हमने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इसको डिफॉर्म किया, खींचा ऐसे, तो फटाक से अपनी पोजीशन पे जैसी जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको रिमूव करेंगे, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही हम हटा देंगे, ये फटाक से अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगी। यस और नो, ये बात मानते हो? चलो, रबर बैंड भी था, रबर को हमने खींचा, वो अपनी पोजीशन पे वापस चला गया, ये भी इलास्टिसिटी है। स्टील की जो पत्ती थी इसको हमने खींचा, ये अपनी पोजीशन पे वापस चली गई, ये भी इलास्टिसिटी है। लेकिन स्टील की एक खास बात है, स्टील की पत्ती ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही हटाएंगे, ये जो स्टील की पत्ती है ये अपनी पोजीशन पे रबर बैंड से पहले जाएगी, रबर बैंड से पहले स्टील अपनी जो ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन थी उसको रीगेन कर लेगा। इसलिए स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू रबर। वह प्रैक्टिकली देखने में लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन रबर ज्यादा इलास्टिक नहीं है अगर स्टील से कंपेयर किया जाए, स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को रबर से पहले रीगेन कर लेती है। अब समझ आया? अब समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। इलास्टिसिटी क्या है फिर से बता देता हूं एक बार, इलास्टिसिटी किसी भी सॉलिड की, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि अगर उस पर हमने कोई डिफॉर्म फोर्स लगाई है जिसकी वजह से उसकी शेप साइज में चेंज आया है, अगर हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें जिससे चेंज आ रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को वापस रीगेन कर लेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। लेकिन इसकी कुछ लिमिट होती है, ऐसा नहीं है भाई स्टील की जो ये पत्ती थी तुमने इसको खींचा वापस चली गई और खींचा वापस चली गई, इसकी भी तो एक लिमिट है, एक लिमिट पा के तो ये मुड़ जाएगी, एक लिमिट पा के तो रबर बैंड टूट जाएगा, तो इसकी भी एक लिमिट होती है। ये जो इलास्टिसिटी है इसकी एक लिमिट होती है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, जब तक उसकी इलास्टिक लिमिट है तब तक। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही इलास्टिसिटी चलेगा, जैसे इलास्टिक लिमिट आएगी तो फिर दूसरी उसमें प्रोसेस में पहुंच जाएगा, दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी, उसको आगे अभी पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी इस चैप्टर में। पहले इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन रीगेन कर ले इलास्टिसिटी है, लेकिन इलास्टिक लिमिट तक, एक लिमिट तक, एक लिमिट है, उसके बाद वो प्लास्टिसिटी रीजन में चला जाएगा, उसको आगे पढ़ेंगे। समझ आया बेटा इतना? कोई दिक्कत? चलो बढ़िया, डेफिनेशन वगैरह लिख लेना, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। और स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है रबर से, ये इस एग्जाम्पल से बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि स्टील अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहले रीगेन कर लेता है एज कंपेयर टू रबर। तो आगे से कोई पूछे तो रबर मत कहना, सुनने में अच्छा लगता है बस, है नहीं, स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबर से, ठीक है। चलो रब कर दें, इलास्टिसिटी समझ आया? चलो ठीक है,
अब एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठाता हूं जिससे इलास्टिसिटी समझाया गया है। देखो इलास्टिसिटी रियलिटी में है क्या, जो हमारा सॉलिड है या कोई भी मटेरियल है, जैसे अभी स्टील हमने लिया था या रबर ले लो, आयरन वगैरह कुछ भी ले लो, कोई भी मटेरियल है हमारे पास, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऐसे ही उन्होंने समझाया हुआ है कि इलास्टिसिटी वर्क कैसे करती है। कोई भी एक मटेरियल है उसके ये मॉलिक्यूल्स हमने बनाए हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिससे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। और वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह, वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्प्रिंग की तरह जुड़े हुए हैं। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है, ये सारे आपस में एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसा बिहेव करती है ये फोर्स, स्प्रिंग नहीं है, रियलिटी में स्प्रिंग नहीं है, ये स्प्रिंग जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। अभी देखते हैं कैसे, देखो ये एक मटेरियल है, अभी स्टेबल कंडीशन में है, हमने कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है, और इन मोलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, देखो स्प्रिंग की तरह कैसे बिहेव करेगी। हमने बॉडी को यहां से डिफॉर्म किया या यहां से डिफॉर्म किया, कहीं से भी कर लो, हमने इस वाले मॉलिक्यूल को खींचा यहां, ठीक है, तो ये स्प्रिंग वाली जो फोर्स थी इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी ऐसे खिंच जाएगी। अब स्प्रिंग को खींचते हैं, अब जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं वो वापस जाई थी, भाई इसको खींचा हमने डिफॉर्मिंग फोर्स से, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई और यहां से इस बॉडी को पकड़ के इस वाले मॉलिक्यूल से ऐसे खींचा, और जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थी ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है, तो ये मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाएगा, यही तो इलास्टिसिटी है। समझ आई बात, ऐसे कुछ एनसीईआरटी में समझाया हुआ है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, जैसे ही हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको यहां एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया, और डीफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही रिमूव की, रिमूव करते ही ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करने गया, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, इसी को तो इलास्टिसिटी कहते हैं, यही तो इलास्टिसिटी है। अब वही ये तो स्ट्रेचिंग की बात है, अगर कंप्रेसिव में बात करें, हमने यहां से इस मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया, यानी इस पूरे जो हमारे पास मटेरियल था इसको यहां से हमने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर यहां से हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई एक्सटर्नल फोर्स, ये मॉलिक्यूल यहां की जगह यहां पहुंच गया, और ये वाली जो हमारी इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स जो थी वो कम हो गई यहां से, मतलब स्प्रिंग की तरह जो बिहेव कर रही है यहां से स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, तो जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे यानी एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे, ये मॉलिक्यूल वापस से अपनी पोजीशन रीगेन करेगा, तो स्ट्रेचिंग में भी और कंप्रेशन में भी दोनों में सेम काम होता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, अब समझ आ गया इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिससे डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है। चलो ठीक है, इस एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन याद रखना ये बीच में स्प्रिंग नहीं है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बिहेव स्प्रिंग की तरह करती है, आप स्ट्रेच करोगे वो वापस अपनी तरफ खींचेगी, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डीफॉर्मिंग फोर्स के हमेशा अगेंस्ट काम करती है, याद रखना बस। से कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक छोटी सी रोड है, हमने इधर इसको स्ट्रेच किया, इधर रिजिड सपोर्ट से सपोज हमने लगाया हुआ है उसको, रिजिड सपोर्ट से एक एंड इसका फिक्स किया हुआ है, और इधर से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स से हम इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसके अंदर वो हमेशा इसके अगेंस्ट लगती है, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स,
रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डीफॉर्मिंग फोर्स यानी जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट काम करती है। हमने डीफॉर्मिंग फोर्स यहां बाहर की तरफ लगाई थी तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ थी, यहां हमने डीफॉर्मिंग फोर्स अंदर की तरफ लगाई थी एक्सटर्नल फोर्स इसको कंप्रेस किया था तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ थी। ठीक है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स जो उस बॉडी को वापस रीस्टोर कराना चाह रही है वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो हमारी डीफॉर्मिंग फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है जिससे हम उसको स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे थे उसके अगेंस्ट लगती है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये था इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी तो समझ आया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में उसका आंसर देना, क्या इस दुनिया में कोई 100% इलास्टिक बॉडी है? कमेंट में आंसर जरूर देना, क्या इस दुनिया में कोई 100% इलास्टिक बॉडी है? 100% इलास्टिक कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे हमने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म हुआ, कहीं ना कहीं ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से डिफॉर्मेशन हुई उसमें कुछ ना कुछ, और डिफॉर्मिंग फोर्स हमने जैसे ही रिमूव करी तो क्या जो उसका ओरिजिनल पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा क्या एग्जैक्ट उसी पे वापस चली जाएगी? उसको बोलेंगे 100% इलास्टिक बॉडी। तो यही क्वेश्चन है मेरा, क्या इस दुनिया में कोई 100% इलास्टिक बॉडी है? इसका आंसर जरूर देना। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट हम प्लास्टिसिटी वगैरह की वीडियो लेके आएंगे, जो हमारा वादा है छोटी छोटी वीडियोस में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज के लिए इलास्टिसिटी रहा हमारा, और इलास्टिसिटी आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम प्लास्टिसिटी पे वीडियो लेके आएंगे और फिर इस चैप्टर में आगे जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, स्ट्रेस के टाइप्स, स्ट्रेन के टाइप्स, वो सब धीरे धीरे वन बाय वन एक एक वीडियो में हम छोटी छोटी वीडियो में कवर करें। ठीक है, आज के लिए इलास्टिसिटी आई होप अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।